नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हमारा जो टॉपिक है, आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या फिर ईमेल आईडी लिंक किस प्रकार करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस रेगुलर वॉच करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, कुछ समय पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई थी। इस वेबसाइट के माध्यम से आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या फिर ईमेल आईडी लिंक या फिर बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की जो रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन ही फिल कर सकते थे। जब ये रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन फिल कर देते थे तो आपके नजदीक में जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहां से एक डाकिया आता था, एक पोस्टमैन आता है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करता है, ईमेल आईडी लिंक करता है या फिर बच्चों का आधार कार्ड भी बनाता है। पर कुछ लोगों की शिकायत, यानी कि बहुत से लोगों की शिकायत आती है कि ये रिक्वेस्ट हम फिल कर देते हैं, इसके बावजूद भी हमारा पोस्टमैन हमारे घर पर विजिट नहीं करता है, हमारा डाकिया घर पर नहीं आता है और ना ही हमारा कोई भी काम करता है। और इस रिक्वेस्ट का स्टेटस जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो ये जो स्टेटस है ये सॉर्ट आउट दिखाता है, यानी कि अप्रूवल सक्सेसफुल दिखाता है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो इनकी एक एप्लीकेशन है पोस्ट इन्फो, अब इस पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन के थ्रू भी आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार इनकी जो ये एप्लीकेशन है पोस्ट इन्फो, इसमें आप किस प्रकार आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाने की रिक्वेस्ट डालोगे और ये रिक्वेस्ट डालने के बाद में आपका 100% यहां पर रेस्पॉन्स मिलेगा, कंफर्म आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगे, कंफर्म आपके आधार कार्ड में ईमेल आईडी लिंक होगी। तो दोस्तों, आप वीडियो में लगातार बने रहे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने की रिक्वेस्ट लगानी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में पोस्ट इन्फो नाम की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है तो हम यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं तो इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर में ही आपको कुछ सर्विसेज दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट नंबर की सर्विस दिखाई दे रही है, सर्विस रिक्वेस्ट, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो नेक्स्ट इंटरफेस आपको दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो नई वेबसाइट की शुरुआत की गई थी उस वेबसाइट का इंटरफेस भी आपको कुछ इस प्रकार से ही दिखाई दे जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी लिंक करवाना चाहते हैं या फिर बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट लगानी होती है। रिक्वेस्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी लगा सकते हैं पर वहां पर आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर शिकायत दर्ज करने का आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। पर इस एप्लीकेशन के थ्रू जब आप रिक्वेस्ट लगा देते हो और आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, आपका डाकिया आपके घर पर नहीं आता है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, शिकायत की रिक्वेस्ट भी यहां पर लगा सकते हैं। शिकायत जब आप लगा दोगे तो आपको यहां पर 100% घर बैठे आपके आधार कार्ड में नंबर जोड़े जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने की रिक्वेस्ट आपको किस प्रकार यहां पर लगानी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर फुल नेम फिल करना है, आप रैंडमली जो भी आपका नेम है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो भी एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आपको यहां पर फिल करना है। आपको वही एड्रेस फिल करना है जिस एड्रेस पर आपको अपने पोस्टमैन को बुलाना है, आपके डाकिया को बुलाना है। इसके बाद में आपको यहां पर अपने पिन कोड फिल करने हैं, पिन कोड उसी जगह के आपको फिल करने हैं जिस जगह पर आपको डाकिया बुलाना है अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए। इसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहां पर फिल करनी है और आपकी जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल करना है ताकि आपका जो डाकिया है वो आपको कॉल कर सके और आपका एड्रेस कन्फर्म कर सके। आप रैंडमली कोई भी मोबाइल नंबर अभी यहां पर फिल कर सकते हैं जो ही आपके मोबाइल नंबर चालू हो। इसके बाद में आप यहां पर नीचे देखोगे सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज की लिस्ट यहां पर खुलकर आ चुकी है। इसके अंदर आपको एक सर्विस दिखाई दे जाएगी, आईबीपीपी आधार सर्विस, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आप यहां पर देखोगे आपके सामने फिर से सेलेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको यहां पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, UIDAI चाइल्ड 0 से लेकर 5 ईयर आधार एलरोमेंट। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी एज 0 से लेकर 5 साल की है तो आप घर बैठे ही उस बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको फर्स्ट नंबर वाली सर्विस पर क्लिक करना है और यहां पर अगर आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको यहां पर सेकंड नंबर वाली सर्विस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहां पर सेकंड नंबर वाली सर्विस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, तो ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिल करना है एंड यहां पर कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों आप जैसे ओटीपी फिल कर लोगे, इसके बाद में आपको नीचे कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल तरीके से सबमिट हो जाएगी। इसके बाद में आपने जो भी रिक्वेस्ट फिल की है उसका स्टेटस देखने के लिए आप यहां पर ऊपर देखोगे क्लिक योर स्टेटस, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं योर मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर रेफरेंस नंबर। जब आप रिक्वेस्ट फिल करोगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे, तो वो रेफरेंस नंबर आपको यहां पर फिल करना है, या फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल करके सिंपली आपको फेच पर क्लिक करना है। आप जैसे फेच पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी रिक्वेस्ट का स्टेटस है वो आपको दिखाई दे जाएगा। आपके जो भी रिक्वेस्ट का स्टेटस है वो किस पोस्ट ऑफिस में भेजा गया है, उस पोस्ट ऑफिस का नाम एंड वहां का एड्रेस आपको दिखाई दे जाएगा। इससे 7 दिन के भीतर आपका जो पोस्टमैन है आपके घर पर आकर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करेगा एंड यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंड बच्चों का आधार कार्ड भी बनाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस आप इंडियन पोस्ट ऑफिस की साइट के थ्रू करते हैं तो यहां पर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, आपका पोस्टमैन आपके घर पे नहीं आता है और आपका स्टेटस भी सॉर्ट आउट दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन के थ्रू आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपका पोस्टमैन आपके घर पर नहीं आता है और आपका पोस्टमैन अच्छे से आपसे बात नहीं करता है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने पोस्टमैन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करोगे तो आपका कन्फर्म 100% यहाँ पर काम हो जाएगा। तो आपकी रिक्वेस्ट की शिकायत दर्ज करने के लिए सिंपली आप यहां पर नीचे देख सकते हैं आपको एक फीडबैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो शिकायत दर्ज करने के लिए आप ऊपर में ही देखोगे सेलेक्ट टाइप पर आपको क्लिक करना है एंड यहां पर आपको काफी सारी सर्विसेज दिखाई दे जाएगी, तो सिंपली आपको यहां पर अदर वाले बटन पर क्लिक करना है एंड यहां पर आपको आपका जो नाम है वो नाम का टाइटल आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है एंड आपका जो भी नेम है वो कंप्लीट नेम आपको यहां पर फिल करना है, आपका जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट आपको यहां पर फिल कर लेना है, आपकी जो कंट्री है वो कंट्री आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड आपके पिन कोड, आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, आपकी जो भी शिकायत है वो डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर 500 वर्ड में कंप्लीटली यहां पर फिल कर देना है जो भी आपकी शिकायत है एंड आपका जो भी रेफरेंस नंबर आपको मिला था, आपने जो रिक्वेस्ट फिल की थी उसमें आपको जो रेफरेंस नंबर मिला था वो नंबर आपको यहां पर फिल करना है। और ये सारी चीजें आपको फिल करने के बाद में ये कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कैप्चर कोड आपको यहां पर फिल करना है एंड आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी शिकायत है वो इनके इसके हेड ब्रांच तक पहुंच जाती है और इनका जो भी पोस्टमैन का डाकिया है वहां तक इनकी रिक्वेस्ट आती है और कंफर्म आपका काम यहां पर 100% हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाने की रिक्वेस्ट यहां पर फिल कर सकते हैं और अगर आपका डाकिया नहीं आता है तो इस प्रकार आप यहां पर अपनी जो भी शिकायत है वो यहां पर दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अलावा आप और कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो आप यहां पर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई हेल्पफुल वीडियो के साथ में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।